जिम कॉलेज इन लोगों को जब ट्रेनिंग देते हैं तो सामने जो लोग बैठे हैं उनको मैनेजमेंट नहीं सिखाना है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सिखाना है, उनको कोई कनेक्टिविटी या सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सिखाना है, उनको एचआर नहीं सिखाना है, तो सिखाना क्या है? जिम कॉलेज से ही बात करते हैं, विचार ऊंचे रखना, स्पष्ट रखना, पवित्र रखना और पवित्र कार्यवाही अपने जीवन में करना, बाकी सफलता तो ऐसे ही आपकी गुलाम बन के आपके पास आ जाएगी। यही बात जिम कॉलेज करते हैं। उन्होंने जो पुस्तक लिखा है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स यहां बैठे हैं उनको जरूर ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। उनके जीवन का ही अनुभव उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। उन्होंने लिखा है, ये पुस्तक का नाम है हाउ द माइटी फॉल। जो बड़े बड़े महारथी थे क्यों पृथ्वी पे गिर पड़े? ऐसे ऐसे महारथी उन्होंने देखे, जो महारथी इफ ही स्नीजिंग वॉल स्ट्रीट कैचेस फीवर। एक फोन उठा के मैनहट्टन में न्यूयॉर्क में 50वीं मजले पे वे बैठे और फोन उठा के फोन करते ही कैन टॉपल अ गवर्नमेंट इन अफ्रीका। ऐसे महारथी ऐसे महारथी के साथ वे रहे हैं कि वे पृथ्वी पे पैर रखे एंड द अर्थ शिवर्स। ऐसे महारथी पृथ्वी पे बेकार हो गए या कोई जेल में गए या कोई बैंकरप्ट हो गए, क्या वजह थी? आफ्टर अ डिटेल स्टडी कम्स टू अ कंक्लूजन दैट दिस पीपल। 300 पेज का पुस्तक है, एक वाक्य में उन्होंने लिखा है, क्योंकि ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के नीचे हम ये समारंभ कर रहे हैं तो ट्रेड किस प्रकार और किस भावना से करना चाहिए वो आपको मैं बताता हूं। जिम कॉलिंस ने लिखा एक सेंटेंस उसमें लिखा है विच इज द एसेंस ऑफ दिस 300 पेज बुक, और वो एसेंस उन्होंने एक शब्द में एक वाक्य में लिखा है, इनडिसिप्लिन परस्यूट फॉर मोर। मतलब ज्यादा 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 अपना करने के लिए, फिर वो पैसा हो, फिर वो धंधा हो, संबंध हो, ज्यादा कमाने के लिए इन लोगों ने नीति नियम और सिद्धांत को छोड़ दिया। नीति नियम और सिद्धांत को छोड़ के आप प्रवृत्ति करेंगे या कोई भी काम व्यवसाय करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर प्रश्न आ सकते हैं। कई बार मैं बोलता हूं, इवन इफ द नेम ऑफ योर कंपनी सत्य, व्हेन यू गो फॉर अ सत्य प्रैक्टिसेस, सुना है ना, इवन इफ यू आर द किंग ऑफ द स्काइज यू हैव टू लीव इंडिया विदाउट इंडियन पासपोर्ट। जिन आपको वापस बुलाया है आएंगे कुछ दिन में, यूके की होम सेक्रेटरी ने साइन कर दिया एक्सट्राडिशन लेटर पे, ये आएंगे कुछ बातें करेंगे, मुंह खोलेंगे तो कहीं वो बड़ो बड़ो तकलीफ में आने वाले हैं। इवन इफ यू आर द सहारा ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज यू कैन स्टिल लाइव बेसहारा इन बिहार। आप कितने भी बड़े हो, 20,000 करोड़ का व्यक्ति 4 साल से तिहार में, आप कितने भी बड़े हो, कहां भी हो, कोई भी हो, कोई भी कक्षा पे आप हो, नीति नियम और सिद्धांत से आपने कुछ रमत की तो आपको वो रमत बहुत महंगी पड़ जाएगी। Nobody is above ethics। मैं कई बार एक दृष्टांत देता हूं कि आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर बने, जीवी में आपने जॉब शुरू की, जूनियर इंजीनियर बने, फिर सीनियर इंजीनियर बने, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, फिर बोर्ड मेंबर बने। आफ्टर योर 30-35 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस ऑन अ फाइन संडे मॉर्निंग आप बैठे हो घर पे, चाय का एक कप
पेपर है और ऐसे ही आप बैठे हो रिलैक्स मूड में, आप जीबी के चेयरमैन हो, पूरे राज्य में इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सत्ता से होता है, आपके सामने प्लग है और अगर आप कैफ में आ जाए और बोले कि देख ये जीबी के चेयरमैन की उंगली है, ओके, और मैं प्लग में डालता हूं, ध्यान रखना तेरा डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हाथ में, ये बोल के भी अगर जीबी का चेयरमैन प्लग में उंगली डालता है तो चिपक जाता है, मर जाता है। Even if you are the chairman of the Gujarat Electricity Board, you don't have the right to put your finger inside the plug. क्यों? Electricity है वो आपके पद, आपकी प्रतिष्ठा और आपकी पोस्ट को नहीं पहचानती, सिर्फ हार्ड मास को पहचानती है। उसी तरह एथिकल वैल्यूज, जीवन में जो नीति नियम और सिद्धांत है वो आपके पद, प्रतिष्ठा और पोस्ट को नहीं पहचानती, वो सिर्फ हार्ड मास को पहचानती है। Electricity and ethics, they only know human flesh and blood, nothing else. तो ये हमेशा घर कर लेना। और एक बात, अगर आप पकड़ा नहीं गए तो भी you have cheated your own self. आपका conscience तो आपको bite करेगा ही। अंग्रेजी में एक कहावत है कि no conscience, no pillow is as soft as a clear conscience. जब आप रात को सोने जाते हो, बेडरूम में जाते हो और लेट जाते हो, तो जो सॉफ्टेस्ट पिलो है गहरी नींद के लिए वो क्या है? योर क्लियर कॉन्साइंस। आपका अगर हृदय पवित्र है कि मैंने किसी का गलत नहीं किया, किसी का जूठा लिया नहीं, किसी को कोई दगा नहीं दिया, तो दैट इज योर मोस्ट क्लियर कॉन्साइंस एंड यू एंजॉय ब्यूटीफुल लाइफ। जीवन तो इस तरह से जिए कि कोई भी वक्त, आधी रात को भी, कोई भी व्यक्ति के सामने हम खड़े होके उसकी आंख में आंख डाल के, सीना ऊंचा करके उसके साथ बात कर सके। ऐसा जीवन अगर आप जिए तो उसकी कीमत है।